हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन या जैसे लेडर वायरिंग कनेक्शन या सीढ़ी वायरिंग कनेक्शन भी कहा जाता है, आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के स्टूडियो में स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन का हम पार्ट 3 सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था। यदि आपने अब तक वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप सीख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, हमें एक बल्ब को दो प्लेस से ऑन ऑफ करना होता है। तो हम इस बल्ब को यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इस बल्ब को यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमें टू वे स्विच की रिक्वायरमेंट होती है। टू वे स्विच में देखा जाए तो तीन पॉइंट होते हैं। बीच वाला पॉइंट देखा जाए तो लोड पॉइंट होता है। जब स्विच की पोजीशन इस तरफ होती है तो इसका कनेक्शन यहाँ से होता है। जब स्विच की पोजीशन यहाँ पे होती है तो इसका कनेक्शन यहाँ पे होता है। चलिए किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम सीख लेते हैं। बेसिकली दो तरह से हमने जो कनेक्शन देखा था, तो दोनों तरह से कनेक्शन में हमें यहाँ से टॉप में और बॉटम से बॉटम में लूपिंग कनेक्ट करना पड़ी थी। जिसमें यदि आपके लेडर की या सीढ़ी की साइज यदि काफी ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको दो वायर काफी ज्यादा लगते हैं। तो यदि आप इस वायर को बचाना चाहते हैं या आप नहीं चाहते हमें इस तरह की लूपिंग कनेक्ट करना पड़े, तो इस तरह का कनेक्शन किस तरह होगा हम सीख सकते हैं। इस तरह का कनेक्शन करने से आपको जो दो वायरों की लूपिंग का जो वायर लगता है उस वायर की आपकी बचत हो जाएगी, वायर काफी कम लगेगा। बट इस कनेक्शन के लिए एक ही कंडीशन है। सपोज ये आपका स्विच नीचे की तरफ लगा है स्टेयर के, ये स्विच आपके स्टेयर के ऊपर की तरफ लगा हुआ है। बट कंडीशन यह है कि आपको नीचे से सपोज ये किसी बोर्ड में लगा हुआ है तो यदि फेज और न्यूट्रल यहाँ से आ रहा है तो काफी बढ़िया है, और फेज और न्यूट्रल यदि ऊपर की तरफ देखा जाए यहाँ से भी कहीं बोर्ड में आ रहा है तो आपको जो वायर की लूपिंग है वो बच सकती है। किस तरह कनेक्शन होगा हम समझ लेते हैं। बट कंडीशन ये है कि नीचे भी उसे फेज न्यूट्रल मिलना चाहिए और ऊपर भी फेज न्यूट्रल मिलना चाहिए। इस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह होगा चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बल्ब के जो दोनों पॉइंट है उन्हें दोनों पॉइंट को हमें जो दोनों टू वे स्विच है उन दोनों टू वे स्विच के लोड वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो हम पहले इसे दोनों टू वे स्विच के लोड वाले पॉइंट में पहले वाले पॉइंट में इसे कनेक्ट कर देते हैं और सेकंड वाले पॉइंट में इस टू वे स्विच को हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए ऐसे हम दूसरे वाले टू वे स्विच में यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अभी हमने क्या किया, बल्ब के जो दोनों पॉइंट थे उसे दोनों टू वे स्विच के लोड वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिए। अब सप्लाई कहाँ देना होगी, किस तरह हमारा ग्लो होगा बल्ब समझ लेते हैं। अब हमें क्या करना, जैसे कि हमने पहले ही आपको कहा था कि आपके पास जो नीचे की तरफ जो स्विच है वहां पे आपको फेज न्यूट्रल मिलना चाहिए। तो हमारे पास ये दो वायर फेज न्यूट्रल के हैं जो कि नीचे से आ रहे हैं, और ये दो वायर जो हम यूज कर रहे हैं ये ऊपर से आ रहे हैं। तो दोनों के हमारे पास आए हैं, पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। बस इसमें कंडीशन यही है कि आपके पास फेज न्यूट्रल दोनों से यदि नीचे भी आ रहे हैं और ऊपर भी आ रहे हैं तो कनेक्शन काफी आसानी से हो जाएगा, आपको लूपिंग भी कनेक्ट नहीं करना होगी। तो हमें क्या करना होगा, जो फेज आ रहा है नीचे की तरफ से उसे बल्ब के ऊपर वाले पॉइंट जो टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है, और जो न्यूट्रल आया है उसे हमें नीचे की तरफ कनेक्ट करना है। ध्यान रखिए आपको ऊपर नीचे मिक्स नहीं करना है, जस्ट आपको आप यदि ऊपर ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं फेस को तो ऊपर ऊपर ही कीजिए, यदि आप नीचे नीचे कर रहे हैं तो नीचे ही कीजिए, बट एक ही पोजीशन में कीजिए। तो चलिए हमने फेस न्यूट्रल दोनों को कनेक्ट कर लिया। इसी तरह हमें क्या करना है, जो हमारे पास नीचे से आ रहा जो ऊपर के साइड से फेज न्यूट्रल आ रहा है उसे हमें टू वे स्विच में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे फेज हमने ऊपर कनेक्ट किया था इसलिए फेज यहाँ पर भी हमें ऊपर ही कनेक्ट करना होगा। और किस तरह ये वर्क करेगा, किस तरह हमारा बल्ब ग्लो होगा, किस तरह दोनों पोजिशन से ऑन ऑफ होगा, सब कुछ हम समझने वाले है। चलिए अब हमें क्या करना है, जो न्यूट्रल हमारा आ रहा है उसे हमें नीचे की तरफ कनेक्ट करना है। इस चीज का आप ध्यान रखें, यदि आपने नीचे की सप्लाई में फेज न्यूट्रल इस तरह दिए है तो आपको यहाँ पे फेज न्यूट्रल जो है वो सेम फेज सीक्वेंस में देना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, ऊपर भी हमने फेज न्यूट्रल ऊपर दिया, फेज ऊपर दिया, यहाँ भी फेज ऊपर दिया, न्यूट्रल नीचे दिया, न्यूट्रल नीचे दिया, और दोनों बल्ब के वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब किस तरह ये वर्क करेगा, किस तरह हमारा बल्ब ग्लो होगा, चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। चलिए हम दोनों सप्लाई को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी दोनों सप्लाई को हमने स्टार्ट कर ली है, अब किस तरह ऑन होगा, किस तरह ऑफ होगा चलिए समझ लेते हैं। अभी दोनों स्विच की कंडीशन आप देख सकते हैं, दोनों ही ऑफ कंडीशन में है। दैट मीन्स दोनों का कनेक्शन यहाँ से, इसका कनेक्शन लोड का यहाँ से है, यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ पे है। तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, देखिए क्या हो रहा, फेज यहाँ से आया, इसका कनेक्शन यहाँ पे लोड पे, तो यहाँ से फेज गया, इसका कनेक्शन यहाँ पे, तो यहाँ से फेज गया, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब यदि कोई पर्सन आता है इसे यहाँ से ऑन करता है तो यहाँ से ऑन करने पर बल्ब ग्लो हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि देखिये इसका कनेक्शन न्यूट्रल उसे यहाँ पे मिल रहा है, न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से हो चुका है तो बल्ब में न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा, यहाँ से फेज इसका कनेक्शन ऊपर ही है तो इसका कनेक्शन फेज यहाँ से बल्ब को मिलेगा, तो फेज इस स्विच से मिलेगा और न्यूट्रल इस स्विच से मिलेगा। अब यदि कोई पर्सन यहाँ पे आके इसे ऑफ कर देता है
तो ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में उसे बल्ब को न्यूट्रल ही मिल रहा है। अब कोई पर्सन आके इसे यहाँ से स्टार्ट करता है तो स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि यहाँ से तो न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से फेज आएगा और यहाँ से इस लोड के पॉइंट से होते हुए फेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो आपका बल्ब है वो दोनों पोजीशन से स्टार्ट भी हो सकता है और दोनों पोजीशन से स्टॉप भी हो सकता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह हमने स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन किया है। इस कनेक्शन में आपको वायर की जो लूपिंग का खर्चा है वो बच जाएगा, क्योंकि आपको लूपिंग का वायर नहीं कनेक्ट करना होगा। बट कंडीशन यही है कि दोनों जगह आपके फेज न्यूट्रल आना चाहिए और फेज न्यूट्रल का सिक्वेंस भी यही होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।